के न्यूज खबरों की नई पहचान। कोरोना वायरस को लेकर 22 मार्च को जहां पूरे देश में जनता कर्फ्यू रहेगी, वहीं जनता कर्फ्यू को देखते हुए इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। इंडियन रेलवे ने 21 मार्च की रात 12 बजे से 22 मार्च रात 10 बजे तक खुलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि वो ट्रेनों जो सुबह 7 बजे खुल चुकी होंगी, वह अपने गंतव्य स्थान तक बिना रुकावट के पहुंच सकती है। आज धनबाद स्टेशन परिसर में भी इसका असर देखा गया, पूरा स्टेशन परिसर खाली नजर आया और जो लोग धनबाद लौट रहे थे काफी जागरूक दिखे। सभी लोग मास्क पहने नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू को भी लोगों ने समर्थन किया है। जी, कल जनता कर्फ्यू मोदी जी बोले हैं 22 घंटा घर पे रहना, तो किस तरह से आप लोग कल? मोदी जी जो है वो सावधानी, कोरोना से जो ग्लोबल वायरस के रूप में जो पूरे विश्व में फैल चुका है, एक महामारी का रूप ले रहा है, उसमें भारत भी जो है वह पर व्यापक असर पड़ने वाला आने वाले दिनों में। अगर हम जागरूक नहीं रहें और स्वच्छता के प्रति जागरूक और मास्क लगाकर नहीं घूमें और जो बताएं कि दूरी बना करके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतना है कि संपर्क लोगों से कम हो, जरूरत पर ही घर से निकले, अन्यथा ज़्यादा नहीं निकले, उसके लिए हम लोग भी जनता कर्फ्यू का जो पूरा समर्थन करते हैं मोदी जी का, एक सराहनीय कदम है। और अपने वार्ड के एक एक नागरिकों को मैं जो है जागरूक कर रहा हूँ, मास्क दे रहा हूँ, हैंड वॉश दे रहा हूँ और जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि लोगों से 1-2 मीटर की दूरी बना करके ही बात करें, जरूरत पड़े तो घर से बाहर निकलें। और जो सामान की लूटमारी बची हुई है, तो अपने देश में सामान की कमी नहीं है, राशन की कमी नहीं है, जिस तरह से पूर्व में चलते आ रहा उसी तरह से रहेंगे। अगर एक सबको स्टॉक करने लगेंगे तो जरूर कमी हो जाएगी और जो है व्यवस्था फैल जाएगा। इससे भी बचना है क्योंकि हम भारत की नागरिक, एक एक नागरिक बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी का परिचय देते हुए जो अफवाह में न फैलें, अफवाह में न जाएं और जो है अपने आप को पहले स्वच्छ बनाएं, अगल बगल स्वच्छ रखें, लोगों को नागरिक जागरूक करें, अगल बगल के नागरिकों को जागरूक करें और दूसरे से दूरी बना के रखें और हो सके तो बचाव के लिए जो है हर 2 घंटे पर जो है हैंड वॉश करें और जो है मास्क लगा कर घूमें, जरूरत के काम के लिए निकले तो मास्क लगा के घूमें और जो है यही हम लोग को जागरूकता, यही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना की कोई दवाई और वैक्सीन नहीं निकली है, अतः इसकी वैक्सीन के रूप में हमको बचाव जरूरी काम करेगा और कोरोना से बच पाएंगे, अन्यथा जो है महामारी फैल जाएगा। इसका कोई अभी वर्तमान में इलाज नहीं है, अब कब इलाज निकलेगा इसका ऊपर वाले जानते हैं, तो हम लोग एहतियात अगर करेंगे तो हम लोग बच जाएंगे। यही जागरूक